Hi guys, welcome to our channel. In this vlog, we will be sharing the experience of celebrating our first Diwali in Canada. We hope that you like this video. अंकित, हाँ अंकिता, दिवाली में एक ही हफ्ता बचा है, क्या करना है? आप डिसाइड करो। ये भी मुझे ही करना पड़ेगा अकेले। सॉरी यार, फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है, एक मीटिंग शुरू होने वाली है। ऐसा हो तो शाम को बात करते हैं। ठीक है, तो मैं लिस्ट बना देती हूँ अपने को क्या क्या लाना है, फिर अपने डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये भी मुझे ही करना पड़ेगा। फाइनली हम लोग आइकिया जा रहे हैं, देखते हैं वहां पे क्या क्या मिलता है। घर का भी थोड़ा सामान लेना है और दिवाली की भी थोड़ी चीजें देखनी है। तो सैटरडे को हमारा प्लान था आइकिया जाने का, बट फिर यहाँ पे वेदर अनप्रेडिक्टेबल है, बारिश बहुत ज्यादा है, उसमें ड्राइव करना थोड़ा रिस्क हो जाता है। इट्स अ ब्राइट सनी मॉर्निंग एज यू कैन सी। This is a huge, huge, huge store. So, देखते हैं। This is a scanning machine. यहाँ पे अपने price check कर सकते हैं। Flowers का या किसी भी item का। छोटे-छोटे sections में इन लोगों ने install किया हुआ है। काफ़ी सारा सामान आ गया है घर का, बट अंकित दिवाली के लिए जो लेना था उस सेक्शन वो रह गया, बाकी सारी चीज़ें ले ली अपने। लाइट सेक्शन में आ गया, मैं थोड़ा दिखा भी देती हूँ।
They have got so many options if you ask me. Price ka I cannot comment right now because I have not done my research on this part, but they have a lot of options. So जिसको अपना घर के लिए लेना हो तो definitely आपको IKEA में check करना चाहिए, उसके बाद you should decide. Scented candles. हमको वैसे ही वॉलमार्ट में भी मिल जाती है. ये वाली जो मैंने इस सेक्शन में रखी है इसकी प्राइस थोड़ी रिड्यूस्ड है एंड फ्रेग्रेंस वाइज भी आई थिंक दिस इज बेटर. और ये वाली मेरे को वहाँ मिली नहीं है. सेल्फ सर्विस फर्नीचर एरिया है. यहाँ पे आपने जो भी ऊपर फर्नीचर सिलेक्ट किया होगा तो यहाँ पे आएंगे, कोड वोड मैच करेंगे, आप यहाँ से खुद उठाएंगे, खुद अपनी गाड़ी में रखेंगे इफ़ यू आर नॉट ऑप्टिंग फॉर डिलीवरी सर्विसेज, और फिर आप उसको अपने घर ले जाएंगे. मुझे कुछ प्लांट्स लेने थे सो मैंने थोड़ा सा पढ़ा था कि कौन से प्लांट्स यहाँ पे इंडोर रख सकते हैं, तो वो सब मिल गए थे. तो अभी भूख भी लग रही है एंड यहाँ पे हमने सोचा एक किसी इंडियन स्टोर पे चेक कर लेते हैं अगर मुझे रेडीमेड रंगोली मिलती है तो. एंड अंकित थक गए हैं, ड्राइव करना है, वाटरलू तक जाना है, 1 घंटा लगेगा. IKEA इतना ज़्यादा वाटरलू से सबसे नज़दीक बर्लिंगटन वाला ही है, चलते इंडियन स्टोर में वहाँ पे कुछ मिलेगा. रंगोली मिल गई तो बेस्ट है, नहीं मिला तो आई थिंक विल सेटल विद द घर से थोड़े अंगूर ले आए. वी विल सेटल विद द लाइट्स एंड कैंडल्स जो हम वॉलमार्ट से लेंगे. काफी बड़ा स्टोर लग रहा है, देसी मंडी नाम बड़ा देसी है. जो चीज़ें चाहिए थी मोस्टली सब मिल गई है. दिवाली के लिए डेकोरेटिव लैम्प्स वगैरह मिले हैं और कुछ इंडियन फूड आइटम्स मिल रही हैं जो, और प्राइसिंग वाइज मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा. किचनर और वाटरलू में ओनकार स्वीट्स और इंडियन ग्रोसरीज कुछ ग्लोबल इंडियन स्टोर्स हैं, उनकी प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो रिलेटिवली चीपर. बट द गुड थिंग वॉज देर लॉट एंड लॉट ऑफ ऑप्शन एंड इट्स नॉट दैट इट्स नॉट क्राउडेड, इट वॉज क्राउडेड, इट्स जस्ट दैट देर वॉज लॉट ऑफ वॉकिंग स्पेस. एंड एज यू कैन सी मौसम बेईमान है, दोबारा से ठंड लगनी शुरू. शायद आपको आवाज़ इतनी क्लियर नहीं आ रही होगी, लेट्स गो. फाइनली दिवाली के लिए जो जो भी सोचा था वो सब मिल गया है एक्सेप्ट रंगोली, दिए मिल गए हैं, जो नहीं भी लेना था वो भी हम लोगों ने ले लिया. अभी हम डायरेक्टली घर जाते हैं. On getting multicolored or unicolored lights, but finally settled with getting one each, one pair for balcony and one pair for inside. Diwali के लिए काफी सारी चीजें लेके आ गए हैं, but as usual सब कुछ end moment पे हुआ है. हाँ मतलब expected नहीं था हमारा कि हम लोग last moment पे रह जाएगा, but it's just I think it is very natural कि अगर आप दिन में काम कर रहे हैं और आपके पास फिर शाम को एक window होता है और ऊपर से अभी as you can see I'm not sure if you're able to see, but अंधेरा थोड़ा जल्दी हो रहा है. तो वी हैव गॉट अ वेरी स्मॉल विंडो जब हम लोग किसी चीजें जाके देख के और समझ के आराम से लेके आए. तो आई थिंक वी हैव डन ओके, वी स्टिल हैव गॉट वन नाइट बिफोर द दिवाली सेलिब्रेशंस बिगिन. वी हैव गॉट सम DIY आइटम्स दैट वी नीड टू रैप अप बिफोर वी से दैट वी आर ऑल डन विद द डेकोरेशन, बट वी हैव नॉट येट स्टार्टेड. सो देयर आर सम स्टफ दैट वी गॉट फ्रॉम IKEA, सम ऑफ देम फ्रॉम Walmart एंड सम लास्ट मंथ स्मॉल क्राफ्ट आइटम दैट वी गॉट फ्रॉम Dollarama. लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट. हैप्पी दिवाली. नाउ लेट्स बिगिन. कुछ जगहों पे जाके हम लोगों ने चीजें फर्स्ट टाइम देखी हैं
दिवाली की शॉपिंग के बहाने हम लोगों ने काफी जगहें भी एक्सप्लोर कर ली है. सो दिवाली शॉपिंग वाज जस्ट एन एक्सक्यूज बाय द वे. या वंस वी गॉट आवर स्टफ आफ्टर ऑफिस आवर्स हम लोगों ने चीजें काम करना शुरू किया और फाइनली वी हैव व्हाट वी हैव नाउ. बाय द वे अंकिता, दिस वाज योर फर्स्ट दिवाली इन कनाडा, हाउ वाज इट? Honestly, I really missed India. I am really missing that पटाखों की आवाज जो दो दिन तक चलती रहती है. But we made sure that we maintained the vibe inside the house. So अपनी तरफ से जितना हो सकता था हम लोगों ने किया. In fact, हमारे clothes भी हम लोगों ने specially दिवाली festival को ध्यान में रख के हम लोग लाए हुए थे. My first Diwali in Canada went well. Glad to hear that. Hopefully you guys also had a good time with your family. We know that this is the second video that is out there on the channel. There is already one video out there and you can find the link over here and somewhere. And the videos that are going to be out soon are going to be around the entire application process. How you fill those forms, which are those documents that are needed, and how you make sure that your application does not get returned and you be with your loved one as quicker as possible. If you have liked this video, subscribe to our channel and hit the like button. Thank you so much for watching. Take care. Bye-bye.